नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। देहरादून में भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर संकट मोचन बने। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में पीएम मोदी की राज्य में हुई 3 सभाओं ने खूब रंग जमाया है। वहीं भाजपा ने पहाड़ से लेकर मैदान तक परचम फहराने में सफलता पाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साए में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार चुनौती कम नहीं थी। शुरुआती दौर में रैली सभाओं आदि पर रोक के चलते भाजपा ने वर्चुअल प्रसार पर ध्यान दिया, प्रचार किया और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरिद्वार और नैनीताल संसदीय सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल सभाएं कराई गई थी। खबर उत्तराखंड से है, जहां भाजपा को बहुमत दिलाने के बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। बात करें पार्टी की तो सवाल ये है कि भाजपा सत्ता की कमान अब किसके हाथों में सौंपेगी। तो वहीं चर्चाएं ये भी है कि चुनाव हारने के बाद भी पार्टी धामी को ही सत्ता की बागडोर सौंप सकती है। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। सभी का सहयोग मिला है, सभी मित्रों का, सभी पूरे उत्तराखंड की जनता का, सबका आशीर्वाद मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य के लिए जो योजनाएं यहाँ के लिए चालू की हैं, विकास की योजनाएं चालू की हैं, बहुत सारे काम चालू किए हैं, उन सभी कामों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान 5,193 मतों से जीत हासिल करते हुए करी है और जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पछुआ दून की सड़कों पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। वहीं इस दौरान पछुआ दून की सड़कें केसरिया रंग में रंगी नजर आई। खबर ऋषिकेश से है, जहां विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को हराकर जीत हासिल की है। बता दें कि जीत के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रदेश में भाजपा सरकार बनने की खुशी जताई है और कहा हाईकमान का जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत किया जाएगा और जिम्मेदारी अच्छे से निभाई जाएगी। जनता का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि लगातार चौथी बार ऋषिकेश की जनता ने, यानी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, और देखिए हर बार मतांतर भी बढ़ता है, इस बार मतांतर भी बढ़ा है, चौथी बार अपना विधायक बनाया है, तो मैं तो उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद कर सकता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, मेरे नेताओं का धन्यवाद है और तमाम उन शुभचिंतकों का धन्यवाद है जो शुरू से एक चिंता व्यक्त कर रहे थे कि आप ही को आना चाहिए नहीं तो गुंडा राज हो जाएगा, तो उस नाते भी मैं जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर गढ़वाल से इस सीट से बेहद नजदीकी अंतर से पराजित हुए हैं। मतगणना के रुझानों के मुताबिक प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा 47 पर आगे चल रही है। तो वहीं चुनाव में दो बड़े उलटफेर हुए, पहला सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लालकुआं सीट से हार का सामना करना पड़ा। मोदी मैजिक और डबल इंजन के काम के दम पर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। खबर उत्तराखंड के झबरेड़ा से है, जहां विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र जाति ने 8,003 वोटों से जीत हासिल करी है और जीत के बाद डबरेड़ा में बेहद खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि डबरेड़ा एक युवा नेता है जो अपनी मेहनत और युवा सोच से डबरेड़ा में विकास करने की बात कहते आए हैं। देखिए आज की ये जीत है, ये झबरेड़ा की जनता के प्रेम की, स्नेह की, उनके समर्पण की जीत है और आज की जीत मैं झबरेड़ा की जनता को समर्पित करता हूँ, ये उनकी अपनी जीत है। इस जीत के लिए मैं आम लोगों को सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने कांग्रेस में भरोसा जताया और मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने
हर चीज भूलकर हमारे पक्ष में वोट करा और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।